ऑलराइट, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितने तरीके के मोमेंट लग सकते हैं किसी बीम पे या किसी क्रॉस सेक्शन पे, कितने तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, कितनी शेप्स होती हैं, कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। अभी वैसे हमने वो पढ़ा नहीं है एग्जैक्टली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर का कैसा होता है, सर्कुलर का कैसा होता है, रेक्टेंगुलर का कैसा होता है, रोम्बस का कैसा होता है, आई सेक्शन का किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमने ये सब कल पढ़ा था इस बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेंडिंग इक्वेशन है, अगर हम उसके कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख दें तो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे को ना दो बीम को कंपेयर करना हो और मेरे को ये पता है कि मुझे ना मोमेंट इतना ही लगाना है। मेरे पास लेंथ भी मौजूद है, लेंथ अब कहते हैं मोमेंट जो है वो क्रॉस सेक्शन पे तो वेरी नहीं करता ना। अब मेरे पास जितनी लेंथ है और जितनी फोर्स है, मोमेंट तो तभी प्रोड्यूस होगा कि जितनी लेंथ पे फोर्स लगेगी। अब वो लेंथ का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ भी हो, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, वो तो मोमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो अगर मुझे कंपेयर करना है दो बीम्स को, मान लो कि मैंने कंपेयर करना है हॉलो को और एक सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट को, तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि अगर मुझे मोमेंट उसमें सेम लग रहा है तो उसमें स्ट्रेसेस किस में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्ट्रेसेस तो पहले ही एक नेगेटिव वर्ड है कि मतलब कितना उसमें कम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है सेम मोमेंट पे। तो ये चीज़ें मुझे, ये कंपैरिजन मुझे यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। अगर मुझे स्ट्रेस का पता हो, भाई मेरा स्ट्रेस कांस्टेंट है इससे, या मेरे पास ये परमिसिबल स्ट्रेस है कि 200 GPa से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो मैं इस पर कितना मोमेंट में वेरिएशन आएगा कि इसमें कितना मोमेंट लग सकता है या इसमें कितना मोमेंट लग सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं तो जिनकी बात हम आज करेंगे। सबसे पहले एक बार बेंडिंग इक्वेशन को दोहरा लें। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एम बाय आई एन ए इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, where sigma is the bending stress at a distance y from neutral axis, m is the moment of resistance, I is the moment of inertia about neutral axis, E is the Young's modulus which is the property of the material, and R is the radius of curvature. Now agar hum baat karein m by I is equal to sigma by y ki, m by I is equal to sigma by y, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि m की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा इंटू आई बाय वाई, और ये जो i बाय वाई है ना, ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है। देखो, i जो होता है वो डिपेंड करता है हमारी बीम की डायमेंशन पे, हमारे बीम की डायमेंशन पे नहीं, हमारे क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन पे। अगर वो ट्राइंगुलर है तो उसकी डिफरेंट इनर्शिया होगा, अगर वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है तो उसका डिफरेंट इनर्शिया होगा, और सिमिलरली अगर वो ट्राइंगुलर, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर है तो उसका डिफरेंट वाई होगा। यहाँ पे वाई मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, वाई मैक्सिमम। देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर दूँ, जब हम बेंडिंग कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा टेंशन और कंप्रेशन हमें कहाँ दिखने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे। तो मतलब जो हमारा वाई डिस्टेंस होगा वो टॉप फाइबर से होगा न्यूट्रल एक्सिस से, वो टॉप फाइबर का डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं ये बीम के डायमेंशंस के बारे में बता रहे हैं हमें। तो अगर मेरी डायमेंशनल एनालिसिस की बात हो रही है तो क्या मैं इनको लिख सकता हूँ आई बाय वाई इज इक्वल टू जेड। भाई अगर मैं जेड को ही चेंज कर दूँ तो मेरे को डायमेंशंस का ही पता चल जाएगा, भाई मेरी डायमेंशन चेंज हो रही है, और इस जेड को मैं नाम देता हूँ आई बाय वाई इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। इस सेक्शन मॉडुलस के बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, और इस सेक्शन मॉडुलस पे इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में, आईईएस में, जेई में, जिनके बारे में हम इस सेशन के एंड होने के बाद बात करेंगे। इस सेशन के एंड होने के बाद का मतलब है कि जब हमारे ये थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जेड है हमारे पास सेक्शन मॉड्यूलस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को पता हो कि मेरे पास दो अलग अलग शाफ्ट हैं और मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेस की जो लिमिट है वो इतनी है, मान लो 200 GPa है परमिसिबल स्ट्रेस की लिमिट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है फिलहाल, तो m इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इंटू आई बाय वाई को तो मैंने बोल दिया z, और ये मेरे पास परमिसिबल है ये 1 के लिए भी और दूसरी बार के लिए भी, m इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल 2 into z, ये दोनों के लिए मेरे पास सेम है। तो अगर मैं z बढ़ाता हूँ, if I increase z, तो z होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट के,
तो अगर मैं z बढ़ाऊंगा तो उसकी डायमेंशंस बढ़ेंगी, और डायमेंशंस बढ़ेंगी तो उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इफ़ z इंक्रीजेज देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो यहाँ पे बात आ रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, कि और ज़्यादा मोमेंट वो झेल पाएगा या रेजिस्ट कर पाएगा। इट मीन्स अगर और ज़्यादा मोमेंट वो रेजिस्ट कर पा रहा है तो इनडायरेक्टली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, और जो उसके चांसेस ऑफ फेलियर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। दिख रहा है साफ साफ हमें, जैसे जैसे मैं जेड बढ़ा रहा हूँ, मैं सेक्शन मॉडुलस बढ़ा रहा हूँ, तो हमारी जो है वो मोमेंट है वो ज़्यादा झेल पा रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्ट और ज़्यादा कर पाएगा, और सिमिलरली उसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चांसेस ऑफ फेलियर घट जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। अगर मैं मोमेंट कांस्टेंट कर दूं, भाई मुझे पता है कि मेरा मोमेंट कांस्टेंट लगेगा, यही मोमेंट लगेगा मेरे इस शाफ्ट पे, और मेरा इनर्शिया अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो इनर्शिया भी सेम होगा, तो मेरा मोमेंट भी सेम हो गया, क्रॉस सेक्शन भी सेम हो गया, तो मैं निकाल सकता हूं कि सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर मैं यहाँ पे किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूँ तो वाई क्या होता है, उसके न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, अगर वाई ज़ीरो है मतलब वाई यहीं पे ही है ए पॉइंट पे, एट ए वाई जो है वो ज़ीरो है तो स्ट्रेस भी हो जाएगा ज़ीरो, और हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस होता है वो ज़ीरो होता है। पॉइंट बी की अगर बात करूँ तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये डी है तो ये डी बाई टू हो जाएगी, ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। सिमिलरली ये भी डी बाई टू है, अगर पॉइंट सी पे भी, सी पे भी वैल्यू जो हो जाएगी सिग्मा की मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाएगा इस हमारी बीम में, तो जितना ज़्यादा वाई होगा उतना ज़्यादा ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा हमारी बीम में। अगर हमारी बीम में जो बेंडिंग है वो कुछ इस तरीके की हो रही है तो ऊपर क्या हो जाएगा टेंशन, नीचे क्या हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो जो उसका डायग्राम आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो और इसकी जो लेंथ है वो है, ये है डी बाय टू और ये भी है डी बाय टू। तो अगर हमें बताना है कि इसमें जो टेंशन और कंप्रेशन है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हो गई इसकी न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे तो स्ट्रेस हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ होगा टेंशन, तो ये टेंशन में जाएगा, तो मैं इसको दिखा दूंगा पॉजिटिव में और इसको दिखा दूंगा मैं नेगेटिव में। यहाँ पे हो रहा है हमारा कंप्रेशन, और मैं ये बताना भी पड़ेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, कंप्रेसिव में, ये टेंशन में है। इसी डायग्राम को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। अगर वहाँ मान लो आपको एक ही जगह पे दिखाना हो तो यही डायग्राम आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, अगर ये आप इस तरीके इस डायरेक्शन में शो कर लो टेंशन को, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है मेरी ये टेंशन की है और ये वाली डायरेक्शन मेरी कंप्रेशन की है। तो अगर आपको यहाँ पे टेंशन शो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंप्रेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर सेक्शन होता तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता वो यहाँ लाई करता, और उसका जो मैक्सिमम टेंशन होता वो यहाँ होता, और जो कंप्रेशन होता वो यहाँ होता, ये उसका आता डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके के हमें डायग्राम बनाना है। आपका कन्वेंशनल पेपर होगा IAS का, तो अगर आपका JEE का भी कन्वेंशनल पेपर होता है तो उसमें भी ये डायग्राम आपको बना के दिखाना पड़ेगा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट हो गया ए बी सी, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हो गया 2h बाय 3, ये हो गया आपका h बाय 3। थर्ड जो हमारा रिलेशन है वो है E और R के बीच में, क्या है ये कहता है m बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये रिलेशन है हमारा थर्ड, ये कहता है कि अगर हमारी बीम, हमारे पास दो तरह की बीम है, एक है ये बीम और एक है भैया ये बीम, तो कौन सी में ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये ज़्यादा बेंड हो रही है, ये कम बेंड हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है आर, ये हो गई वन, ये हो गई टू। अब जो ज़्यादा बेंड हो रही है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा, इट मीन्स बेंडिंग ऑफ वन इज लेस देन बेंडिंग ऑफ टू, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसमें रेडियस का क्या रिलेशन है, अब जिसकी बेंडिंग कम है उसका रेडियस कैसा होगा, ऐसा होगा, और जिसकी बेंडिंग ज़्यादा है उसका रेडियस कैसा होगा, ऐसा होगा, और अगर हमारी बीम स्ट्रेट है तो उसका रेडियस कैसा होगा, उसका तो रेडियस होगा ही नहीं, उसका रेडियस होगा इनफाइनाइट। जब बेंडिंग कम थी तो रेडियस ज़्यादा था, और जब बेंडिंग ज़्यादा थी तो रेडियस जो था वो था कम,
इट मीन्स रेडियस ऑफ वन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ टू और रेडियस ऑफ थ्री, तो बिल्कुल इन्फाइनाइटी होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा। अगर रेडियस ऑफ वन ग्रेटर है रेडियस ऑफ टू से, तो चांसेस ऑफ फेलियर किसके कम हैं, वन के या टू के? एक बार सोच के देखो, वन के चांसेस ऑफ फेलियर कम हैं या टू के? वन के चांसेस ऑफ फेलियर कम हैं। तो चांसेस ऑफ फेलियर फर्स्ट के जो कम हैं, फर्स्ट के जो हैं वो कम हैं सेकंड वाली से। अब मैं आपको बताता हूँ कि m by i is equal to e by r, यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालूँ तो r की वैल्यू आएगी e upon m i n a। ओह, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, i यहाँ नहीं आएगा, i ऊपर आएगा, i n a, ठीक है। रेडियस डिपेंड कर रहा है ई आई और एम के ऊपर। अब ये ई आई टर्म क्या है, मोमेंट तो हमें पता है एम होता है, ई आई टर्म क्या है? ई आई है हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, आर आई जी आई डी आई टी वाई। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? ई और आई से। ई होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये होता है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और आई डिपेंड करता है हमारे क्रॉस सेक्शन पर। इसका मतलब जो हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, अगर हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ती है तो हमारे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगी, और हमारा जो इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो हमारी जो बीम की डायमेंशन है वो भी बढ़ेंगी। इसका मतलब हमारी बीम का क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, उसकी डायमेंशन बढ़ रही हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट ले सकती है। अगर वो पहले यंग्स मॉडुलस जो है वो 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले रही थी, तो अब वो 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेगी, तो इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है वो भी बढ़ गई है, उसके डायमेंशन, उसके क्रॉस सेक्शन बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उसकी बढ़ गई है, जिसका मतलब है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और अब आगे अगर हम बात करें, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता हूँ तो मेरा जो है रेडियस भी बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ फेलियर क्या हो जाएंगे, कम। रेडियस बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ फेलियर कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं मोमेंट को ज़ीरो कर दूँ तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर मैं मोमेंट को ज़ीरो कर दूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई मोमेंट लग ही नहीं रहा, कोई बेंडिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही, अगर कोई बेंडिंग प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो रेडियस कितना है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तो जो बीम होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह की दिखेगी। अगर हमारा जो मोमेंट है वो कॉन्स्टेंट है तो हमारा रेडियस भी कॉन्स्टेंट होगा। देखो, अगर हमारा पूरा बीम जो है इस पर जो मोमेंट है वो कॉन्स्टेंट लग रहा है, तो हमारा जो हमारा रेडियस है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। कॉन्स्टेंट रहेगा तो जो बीम की शेप होगी वो होगी सर्क्यूलर, ठीक है, जब होगा आर कॉन्स्टेंट। अगर आर वेरिएबल है, अगर आर वेरिएबल है तो जो बीम की शेप होगी वो होगी पैराबोलिक, ठीक है, तब हमारी सर्कुलर शेप नहीं बनेगी। अगर मोमेंट मेरा वेरिएबल है तो जो हमारा रेडियस होगा वो होगा पैराबोलिक कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ एक क्वेश्चन, एक नहीं मैं दो या तीन क्वेश्चन लेके आऊँगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों को करने का क्या मतलब था। ये सब हमने पढ़ा जो है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया बेंडिंग स्ट्रेसेस से, उसके बाद हम गए बेंडिंग इक्वेशन पे, उसके बाद हम गए आगे न्यूट्रल एक्सिस पे, हमने मोमेंट बेंडिंग इक्वेशन निकाली, उसके बारे में आपको बताया, उसकी अजम्पशंस बताई पांचों, उसके बाद मैंने बताया मोमेंट किस किस तरीके से लग सकता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, ये सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस जो है वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा तो मोमेंट ज़्यादा ले पाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी और चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे। सिमिलरली अगर सर एक बार एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जो जेड है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। सिमिलरली अगर ये मेरा मोमेंट कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ जेड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय सिग्मा। सिग्मा नीचे चला जाएगा, एम इधर कांस्टेंट है अगर, तो ठीक है। इसका मतलब अगर मैं जेड बढ़ाता हूँ तो मेरा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, जेड बढ़ा रहा हूँ कम हो जाएगा स्ट्रेस, तो इसका मतलब स्ट्रेस कम ले पाएगा। अगर स्ट्रेस बढ़ाऊँगा तो जेड कम हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो मैंने आपको बताया था सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद मैंने आपको कुछ सेक्शंस के बारे में बताया था, इनर्शिया कैसे निकालते हैं हम सर्कुलर सेक्शन का, थिन और थिक के लिए। उसके बाद उससे पहले मैंने आपको ये सब बताया था रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और हॉलो सेक्शन के लिए। उसके बाद ये भी बताया था आपको कि आई सेक्शन के लिए कैसे काम करते हैं, तो आई सेक्शन को फिर मैंने सॉल्व करके आगे बताया हुआ है। उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगुलर सेक्शन को कैसे निकालते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अबाउट बेस के। सिमिलरली फिर हमने आगे काम किया रोम्बस पे, उसका न्यूट्रल एक्सिस निकाला।
और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। उसके बाद आई सेक्शन का मैंने आपको बताया, जो मैंने उसको पहले उसको डिस्कस किया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पूरा रेक्टेंगल मान के इसमें से दो रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है टेंशन और कंप्रेशन के बीच। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या रिलेशन थे सिग्मा और इनके बीच में, और रेडियस ने कैसे काम किया हमारे बेंडिंग इक्वेशन में। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, कुछ गेट के क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।